नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया में आपका स्वागत है। आज करवा चौथ है। करवा चौथ एक दीपावली से आने वाला पहला एक ऐसा त्यौहार है जो कि हर घर में बहुत ही जोश और उत्साह के साथ में मनाया जाता है। इस दिन बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। इस दिन हर महिला अपने पति की दीर्घायु और उन्नति के लिए एक व्रत रखती है जो कि चाँद को देख के अपना व्रत खोलती है। यह व्रत जो खोला जाता है वह पति के पानी पिलाने के द्वारा ये खोला जाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि आज करवा चौथ के दिन हमेशा चाँद को देख के ही अपना व्रत क्यों खोला जाता है, वह चाँद हमेशा लेट क्यों निकलता है। औरतों के मन में ज़्यादा ये प्रश्न आता है कि रोज़ डेली के हिसाब से चाँद हमेशा समय पर निकल जाता है, लेकिन आज के दिन करवा चौथ के दिन चाँद लेट क्यों निकलता है। आज हम इस बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। इसके दो रीजन है। एक हम आज इस बारे में हम जानेंगे एक पौराणिक तंत्र ग्रंथ के द्वारा और एक साइंटिफिक रीजन के द्वारा, मतलब कि हम जो प्राचीन ग्रंथ है उनके द्वारा भी हम जानेंगे कि चाँद लेट क्यों निकलता है करवा चौथ के दिन, और एक हम साइंस के द्वारा भी जानेंगे कि आज चाँद लेट क्यों निकलता है। हम बता दें कि आज के दिन चाँद को देख के ही महिला अपना व्रत क्यों खोलती है। चाँद भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए चाँद को देख के ही अपना महिला अपना व्रत खोलती है, जिससे जैसे कि चाँद एक अमर है, एक यश मतलब कि विख्यात, मतलब लोगों में उसकी एक चमक है, उसकी एक दीर्घायु है। इस तरह से वह अपने चाँद से प्रार्थना करती है कि हमारे पति की भी दीर्घायु हो, यश बढ़े और हमारा पति भी उन्नति पाए। इस वजह से भगवान शिव का प्रतीक मानते हुए चाँद की पूजा करते हुए अपने पति की दीर्घायु को लिए अपना वह व्रत खोलती हैं। अब हम जानते हैं कि चाँद आज के दिन लेट क्यों निकलता है। सबसे पहले जानते हैं पौराणिक ग्रंथ। जैसा कि हमने बताया कि चाँद जो है भगवान शिव का प्रतीक है, भगवान शिव के सिर पर रहता है चाँद, आपने देखा भी होगा। इस वजह से चाँद को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, और ये भी माना जाता है पौराणिक ग्रंथ में कि जो पत्नियाँ होती हैं, जो औरतें होती हैं, वह व्रत रखती हैं, वह एक संकल्प लेती हैं और उनकी एक तपस्या होती है, उस तपस्या का एक फल देखा जाता है और उसके द्वारा चाँद लेट निकलता है उनकी तपस्या के फल को देखने के लिए, इस वजह से चाँद लेट निकलता है। ये हुआ एक पौराणिक ग्रंथ, या एक तिथि के द्वारा भी देखा जाता है कि तिथि के द्वारा भी ये चाँद लेट निकलता है। अब हम साइंटिफिक रीज़न जानते हैं कि चाँद लेट क्यों निकलता है। आपको इसके लिए जानना होगा कि जो चंद्रमा है, चाँद जो है, वह पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए 27.3 दिनों को समय लेता है। वह अपनी दूरी करने के लिए 12 डिग्री पर अपना चाँद घूमता है। इस वजह से चाँद की स्थिति बदलती रहती है। अगर आप देखेंगे दिन ब दिन, मतलब कुछ दिनों के अंदर, तो चाँद अपनी जगह दिशा अपनी बदलता रहता है, थोड़ी बहुत अपनी दिशा बदलता रहता है। और आज के दिन चाँद इसलिए भी दिखता है क्योंकि वह अपनी 12 डिग्री के हिसाब से, जिस हिसाब से घूमता है, वह आज के दिन लेट निकलता है। ये हर चतुर्थी के दिन, पूर्णिमा की जो चतुर्थी होती है, उस दिन यह चाँद लेट निकलता है। साइंटिफिक और पौराणिक ग्रंथ का ये भी रीजन है क्योंकि आज कार्तिक मास का चांद होता है, इसलिए महिला आज के दिन चांद को देख के अपना व्रत खोलती हैं। साइंटिफिक रीजन ये भी है कि इसका कि 12 डिग्री के घूमने की वजह से ये चाँद अपनी स्थिति बदलता रहता है, जिसकी वजह से ये पूर्णिमा की जो चतुर्थी आती है, जिसकी वजह से ये चाँद हमेशा थोड़ा लेट निकलता है। और अमावस्या तक अपनी डिग्री के घूमने के हिसाब से अमावस्या तक ये लुप्त हो जाता है और दिखता नहीं है। धन्यवाद।